तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक गजब की रैली कल देखने को मिली। मार्केट गैप अप हुआ और वन साइडेड रैली फिर वहां से देखने को मिली। 26,650 में ओपन हुआ, फिर नीचे आए, फिर मार्केट अपसाइड जो दिखाया उसके बाद 24,698 पे जाके बंद हुआ, 24,700 पे आके क्लोजिंग दिया है। क्या ये वही लेवल है जहां से रिजेक्शन होती है? क्या अब यहां से मार्केट में गिरावट होगी? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। निफ्टी बैंक भी देखिए 50,803 पे बंद हुआ है, तो निफ्टी बैंक भी काफी सपोर्टिव था और इसका रीजन था सारे बैंकिंग सेक्टर बढ़ रहे थे। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ला रहे थे। 2 से 6% तक की तेजी थी यहाँ पे। प्रॉफिट बुकिंग जो काफी चले थे वहां पे हो रहा था। भारतीय एयरटेल, ONGC, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी इंटरप्राइजेस, सिप्ला जैसे दिग्गजों में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। तो ये सारे दिग्गज ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप इक्विटी SIP करें, लंबा टाइम दें, अच्छा खासा यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है, अगर कोई 5 से 10 साल में वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है। तो आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। वीकली चार्ट में, 15 मिनट्स के चार्ट में, डेली चार्ट में हम डिस्कस करेंगे। वीकली चार्ट में देखिए क्लियरली दिख रहा है 24,700 के आसपास हम पहुंच गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट जोन है, बस यहाँ से एक स्टेप दूर है जब हम लाइफ टाइम हाई की ओर पहुंच जाएंगे, और वो होगा 24,951, 25,000 का लेवल तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी वीक खत्म नहीं हुआ है, आज है वेडनेसडे और यहाँ पे मार्केट अभी भी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन अभी भी है। बहुत ज़्यादा चांसेज है कि 25,000 का जो लेवल है वो हम टच कर जाएं। फिलहाल निफ्टी का देखते हैं डेली बेसिस पे, तो यहाँ पर भी देखिए जो है कोशिश किया जा रहा है 24,700 पे टिकने का, और इसके बाद का लेवल आप देखिए किस तरह से तैयारी हो रही है 24,800 का जाने का, एक स्टेप दूर है, और इसके बाद हम फिर 25,000 का लेवल की तैयारी करेंगे। तो वन साइडेड रैली देखने को मिल रही है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। 24,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, अच्छी खासी तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। 24,700 के ऊपर टिकना होगा तब नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 24,870 का रहेगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए किस तरह से 24,700 के लेवल पे हम क्लोजिंग दिए हैं, इसके ऊपर 24,800 जाने के लिए तैयारी किया जा रहा है। लेकिन 24,700 के आसपास जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पे सस्टेन करना होगा। 24,700 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और इसके हाई को तोड़ना होगा। 24,900 का लेवल हमें देखने को इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट हो जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, ग्लोबली मार्केट थोड़ा खराब है, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल बन जाता है तब एक गिरावट देखने को मिल सकती है, और फिर ये 24,600 की ओर फिर हम नीचे की ओर आ सकते हैं, और इसको भी अगर तोड़ देता है तो 24,550 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इनके तो 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेना अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। बैंक निफ्टी में भी देखते हैं 50,803 पे क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद का लेवल 51,000 का लेवल दिख रहा है वीकली बेसिस पे। अभी 3 दिन है और बाकी, देखना होगा क्या यहाँ पे आती है आके आगे जाके। अब देखिए 50,803 पे डेली बेसिस पे क्लोजिंग दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है, और इसका नेक्स्ट जो जोन दिख रहा है 51,257। अब जिस इसके बाद अगर यहाँ सस्टेन करती है, ये 50,803 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगती है तो नेक्स्ट पड़ाव इसका 51,300 का रहेगा, और इसके बाद मार्केट में एक अच्छी वन साइड रैली देखने को मिल सकती है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। 50,719 पे यहाँ पे दिखा है सेटलमेंट हुआ है। 50,719 पे के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसका लो हाई को तोड़ देता है, तब देखिए लेवल काफ़ी अच्छा मिल सकता है हमें, और वो फिर 51,000 तक हम जाने की तैयारी करेंगे, और इसके ऊपर फिर 51,500 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है।
लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और वो सेलिंग फिर नीचे की ओर 50,600 की ओर निफ्टी को ला सकती है। इसके नीचे 50,500 का भी लेवल दिखा सकता है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पर ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवर बैठेगा। आते हैं पीसीआर पे, 1.13 पे आ गया है, ओवरबॉट जोन एक तरह से बोला जा सकता है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अब देखिए इंडिया विक्स भी नीचे आ गया 13.82 पे, ये भी एक कम्फर्ट जोन है। अब आते हैं ऑप्शन चेन में, कहाँ पे ओआई सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, 24,500 पे हमने कल के वीडियो पे भी डिस्कस किया था कि अभी भी सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा 25,000 के लेवल पे है, 25,000 का लेवल पे 3,77,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। और पुट ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है वो है 24,500 पे, जहाँ पे 2,24,000। अब यहाँ पे थोड़ा बढ़ के देखिए, ये यहाँ पे आ गया सबसे ज़्यादा हुआ है 24,300 पे है, जो सबसे ज़्यादा यानी 24,300 एक सपोर्ट और 25,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने को तैयार है। निफ्टी निफ्टी बैंक में आते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है ये समझ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा दिख रहा है 51,000 पे, 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और सपोर्ट के लिए 50,000 तैयार है, जहाँ पे देखिए 2,23,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 51,000 रेसिस्टेंस और 50,000 एक सपोर्ट की तरह निफ्टी बैंक अपने आप को तैयार कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी से थोड़ा ख़राब न्यूज दिख रहा है, 27 पॉइंट नीचे हम गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, नीचे खुलेंगे। अमेरिकन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है 61 पॉइंट, S&P 11 पॉइंट, नेस्डेक 59 पॉइंट, तो चारों तरफ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। जापान का मार्केट थोड़ा तेज है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।